आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज की वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिकी मार्केट के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे FIS और DIS के डेटा की। मंडे के दिन मार्केट में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है, कल के दिन कहाँ पे कॉल और कहाँ पे पुट बाइंग करना चाहिए, उसके पीछे क्या लॉजिक होने वाला है। तो सबसे पहले तो देखिए नेकडेस की बात करें तो यहाँ पे 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। डाउ जोन की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए आपको 1.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलती है। SPM 500 की बात करें तो यहाँ पे भी 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। और इस जगह देखिए अगर मैं आपको देखिए और इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो हैंगसेंग में भी देखिए आपको गिरावट आपको देखने को मिल जाती है, टोक्यो में आपको गिरावट आपको दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें तो अदर स्टेक में भी देखिए पे गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। तो रोल ओवर अगर हम बात करें तो देखिए इंडिया मार्केट के अलावा भी अगर आप देखोगे तो US मार्केट में भी काफी गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। सिंगापुर निफ्टी को देखते हैं तो सिंगापुर निफ्टी में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल जाती है और कितने पॉइंटों की देखने को मिलती है, यहाँ पे देखिए 117 पॉइंटों की आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल जाती है। अगर हम लास्ट रेट की बात करें तो लास्ट रेट जो आपको देखने को मिलता है वो 17,215 का देखने को मिलता है। और इसी जगह अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 0.68% के आसपास की आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल जाती है। अब देखिए इस जगह मैं कुछ डेटा आपके सामने और रखना चाहूंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने FIS और DIS का डेटा ओपन किया है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए FIS और DIS का डेटा बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो वीडियो मैंने आपको पहले पब्लिश किया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था और मार्केट अभी कैसा काम करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको प्ले करता हूँ। जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, लेकिन उनकी कैश में पोजीशन है, ठीक है। अब कैश में पोजीशन देखिए एक साल के लिए भी हो सकता है, दो साल के लिए भी हो सकता है, तीन साल के लिए भी हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने कैश में पोजीशन लिया है तो उसमें तेजी तो आएगा, क्योंकि जिस टाइम देखिए इसमें पोजीशन लेते हैं उसी टाइम से आपको तेजी देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो फ्यूचर में हेजिंग किया है, ठीक है, फ्यूचर में देखिए आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है कि 5,490 करोड़ की बिकवाली है अभी प्रेजेंट में। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जब देखिए फ्यूचर में बिकवाली होती है तो ऑप्शन में वो क्या खरीदते हैं, पुट खरीदते हैं, क्योंकि फ्यूचर में देखिए उन्होंने बिकवाली किया, मेरे पास पैसा है, जबरदस्त पैसा है, और जबरदस्त पैसा होने के बाद अगर मैं इस जगह फ्यूचर में बिकवाली कर रहा हूँ तो मार्केट नीचे आता है, ठीक है। और जब मार्केट नीचे आता है तो हम किस में काम करते हैं, CE में काम करते हैं या इस जगह PE में काम करते हैं, आप जो मुझे कमेंट में बताइए, बिल्कुल PE में काम करते हैं। तो इस जगह देखिए मैंने आपको डेटा क्या बताया था कि जब FIS फ्यूचर में बिकवाली करते हैं तो उसमें सेलिंग देखने को मिलती है। अगर देखिए इसको मैं इस जगह देखिए डेटा को मैं एक तारीख से आपके सामने लगा के रखूं तो यहाँ पे देखिए आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखिए इस जगह मैं डेटा को दिखाना चाहूंगा। शुरुआत में इन्होंने क्या किया था कि 5 तारीख तक अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू बिकवाली की थी, लेकिन अगर हम DIS की बात करें तो इस जगह न्यूट्रल आपको दिखाई दे रहा, कोई ज़्यादा बड़ी खरीदारी नहीं, कोई ज़्यादा बिकवाली नहीं। उसके बाद देखिए 6 तारीख से इस जगह डेटा में कहीं ना कहीं देखिए एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिली, क्योंकि इस जगह देखिए आपके FIS ने भी बाइंग किया था और DIS ने भी बाइंग किया था। मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट पैसे पैसे का हिसाब पूरा लेता है, और पैसा एंटर करता है तो तेजी भी आती है, मंदी भी आती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6 तारीख के बाद देखिए कंटिन्यू इसके अंदर खरीदारी आपको देखने को मिली, जिसके वजह से देखिए बाजार आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, और ये 13 सितंबर तक ये आपको खरीदारी देखने को मिली। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा अभी का डेटा जो कि आपके सभी के सामने मैंने आपको लगा के रखा है। देखिए यहाँ पे आपको 23 सितंबर तक अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कंटिन्यू बिकवाली आपको दिखाई दे रही है और अच्छी खासी बिकवाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा 2 दिन देखिए यहाँ पे खरीदारी दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद भी बिकवाली है, ठीक है। यानी नेट नेट अगर बिकवाली की अगर हम बात करें तो 2,400 या 450 करोड़ के आसपास की आपको यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल जाती है, जो कि कैश के अंदर है। ये किसके अंदर आपको दिखाई दे रही है, कैश के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं DIS की, तो DIS भी क्या करते हुए दिखाई दे रहा है, DIS का भी अगर आप नेट फिगर देखोगे तो आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1,870 करोड़ के आसपास की जगह भी बिकवाली दिखाई दे रही है। यानी अगर मैं FIS की बात करूं या DIS की बात करूं, दोनों जगह अगर आप देखोगे तो आपको नेट नेट बिकवाली ही आपको दिखाई दे रही है इस जगह क्लोजिंग में।
अब एवेंडो का डाटा, ये डेटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, क्योंकि अगर आप इस जगह देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एवेंडो के अंदर देखिए पहले हम इंडेक्स का डाटा को समझ लेते हैं कि भाई इंडेक्स के डाटा में हमको क्या दिखाई दे रहा है। कैश के डेटा को हमने समझा तो इस जगह तो देखिए हमको समझ में आ रहा है कि बिकवाली हो रही है, दोनों जगह बिकवाली हो रही है। लेकिन अगर हम एवेंडो के डेटा में और इस जगह देखिए इंडेक्स के फ्यूचर के डेटा में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 15 सितंबर को बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद 3 दिन खरीदारी हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया था मार्केट अच्छा खासा ऊपर की साइड गया था। लेकिन 3 दिन खरीदारी होने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि 3 दिन फिर से कंटिन्यू बिकवाली दिखाई दे रही है, यानी अच्छी खासी बिकवाली हुई है, 1000 करोड़ के आसपास की हुई है। फिर उसके बाद आप देखो 2500 करोड़ के आसपास की हुई है, फिर यहाँ पे आपको 33000 करोड़ के आसपास की हुई है, यानी आपको कंटिन्यू बिकवाली दिखाई दे रही है। नेट नेट बिकवाली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 7650 करोड़ के आसपास की फ्यूचर के अंदर बिकवाली हो चुकी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट डेटा आता है आपका इस जगह, जो आपका देखिए यहाँ पे किस पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन के अंदर, ठीक है, FIS इंडेक्स ऑप्शन, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, FIS इंडेक्स ऑप्शन के अंदर अगर आप देखोगे, देखिए इस स्टॉक के डेटा को मैं आपको जब से बता रहा हूँ, जब यहाँ पे देखिए आपकी छोटी पोजीशन हुआ करती थी 5000 के समथिंग की, और अब तो देखिए 46721 करोड़ के आसपास की पोजीशन दिखाई दे रही है। देखिए होता क्या है कि जब देखिए इंडेक्स के अंदर बिकवाली होती है, तो इंडेक्स के अंदर देखिए बिकवाली है, ऊपर से बिकवाली हो रही है, मार्केट ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है, कंटिन्यू नीचे की साइड आ रहा है, तो जब FIS को पता है कि इस जगह हमारे पास काफ़ी अच्छा पैसा है और हम ऊपर से बिकवाली करेंगे, और उसी जगह DIS का डेटा भी हमको दिखाई दे रहा है कि DIS भी इस जगह ज़्यादा खरीदारी नहीं करे, वो भी कहीं ना कहीं बिकवाली करें, तो ऊपर के लेवल पर जब आपके ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो उस जगह PE बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास काफ़ी अच्छी होती है। और उस जगह से आपने देखा होगा कि इस जगह देखिए PE के अंदर देखिए अच्छी खासी पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। यही डेटा को मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी लोगों ने सीरियस नहीं लिया, और इस डेटा को मैं आपसे जब से बता रहा हूँ, जब मार्केट आपका कहीं ना कहीं जो 18200 के समथिंग का हाई मारा था, ये डेटा जब से बनना चालू हो गया था, लेकिन अब आपका इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, और रिजल्ट आपको सभी को पता है कि मार्केट कितना ऊपर आज कितना नीचे आ चुका है इस प्राइस से। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह NASDAQ का चार्ट ओपन किया है। NASDAQ के चार्ट पे देखिए हमने पहले भी बात किया है, और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलिए बात करते हैं इस जगह NASDAQ के चार्ट पे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपसे यहाँ पे कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, और कंटिन्यू मैंने आपको बताया था, अभी बीच में आपको एक तेज़ी भी देखने को मिली थी इस जगह, लेकिन उस तेज़ी में मैंने आपको PE बाइंग करने की राय दी थी, यानी मैंने आपसे बोला था कि यहाँ से अपॉर्चुनिटी आपको सेलिंग करने की ही मिलेगी, जब इसने कहीं ना कहीं आपका हाई मारा था इस जगह 12250 के समथिंग का, और उस हाई से अगर आप देखो तो अभी की इसकी जो पोजीशन में आपसे बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10860 के समथिंग का, यानी ऊपर के लेवल से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल चुकी है। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और नीचे की साइड आना चाहिए, यानी आपका जो इस जगह 10550 के समथिंग आपका थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए। अभी भी इसमें देखिए यहाँ पे 200 से लेके आपको 300 पॉइंटों की आपको और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद आपको एक छोटा सा इसमें सपोर्ट देखने को मिलेगा इस लेवल पर, यानी इसके लो पे हमको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, तो अभी भी थोड़ा करेक्शन बाकी है जो कि नीचे की साइड हमको देखने को मिलेगा। तेजी के बारे में हम कब सोच सकते हैं, देखिए तेजी के बारे में तो आपको जब ही सोचना चाहिए जब ये 11500 के ऊपर चला जाएगा, यानी इसके ऊपर जाएगा जब भी आपको कहीं ना कहीं तेजी के बारे में सोचना चाहिए। देखिए अब मैंने आप सभी के सामने इस जगह डाउ जोन का चार्ट ओपन किया है। देखिए डाउ जोन का चार्ट बिगड़ चुका है, इस जगह डाउ जोन के चार्ट पे आपको बहुत ज़्यादा देखिए इस जगह सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे मुझे और ज़्यादा बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए डाउ जोन का चार्ट इसलिए बिगड़ चुका है क्योंकि देखिए इसने पहले के जो लो थे उस लो को ब्रेक किए हैं, ठीक है, इन लोगों को ब्रेक किए, और अभी हाल ही का देखिए इसमें जो एक अच्छा सा खासा सपोर्ट हमको दिखाई देता था 30,000 का, उस 30,000 के सपोर्ट को भी इसने ब्रेक किया है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू इसमें बिकवाली आपको दिखाई दे रही है, यानी हर लेवल पे बिकवाली ही इसमें देखने को मिली है, सपोर्ट नहीं लेता वो दिखाई दे रहा है। और देखिए नीचे के साइड इसने जो लो मारा था
इस जगह देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा 29,000, देखिए यहाँ पे मैं आपको लिखना चाहूंगा 29,250 का जो लो मारा था, उस लो के नीचे अगर ये फिर से निकलता है तो आप मान के चलिए कि इसमें 600 से लेके 1000 पॉइंटों की और सेलिंग आते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन कब आएगी? जब ये अपने लो के नीचे निकलेगा। अब देखिए अगर इसमें तेज़ी आ भी जाती है तो हम तेज़ी कब से कंटिन्यू करना चालू कर सकते हैं? देखिए अगर इसमें तेज़ी आपको चाहिए तो आप ये सोचिए कि 30,000 के ऊपर अगर ये निकलता है और 30,000 के ऊपर निकलने के बाद कंसोलिडेट करके ऊपर की साइड निकलता है, यानी इस जगह 30,500 के ऊपर एक सस्टेन करना चालू कर देता है, जब हम कहीं ना कहीं तेज़ी में आ सकते हैं। लेकिन अभी इस चार्ट को देख के मुझे बिल्कुल तेज़ी नहीं दिखाई देती, मुझे और लगता है कि इसमें और ज़्यादा सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। बाकी देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर तो मैंने वीडियो बना दिया है, डेटा मुझे कमज़ोर दिखाई दे रहा है जो मैंने आपको बता दिया, और इस डेटा के ऊपर मैं कंटिन्यू आपको सभी को बता रहा था। जिन लोगों ने देखिए कहीं ना कहीं इस पर यकीन किया, उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है पुट के अंदर, उन लोगों ने पुट के अंदर काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है, ठीक है। और देखिए अपने पोर्टफोलियो को भी थोड़ा हेजिंग करके रखा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।